आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे टोमेटो जैम, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप इसे रोटी के साथ या ब्रेड में लगाकर खा सकते हैं। बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो आइए बनाते हैं टोमेटो जैम। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है टमाटर, मैंने फ्रेश और लाल टमाटर लिए है। आपको जितना जैम बनाना है उस हिसाब से आप टमाटर ले लीजिए। मैंने 500 ग्राम टमाटर लिए हुए हैं। इसके अंदर डालने के लिए मैंने 7 से 8 कलियां लहसुन के लिए है, जो मैंने लंबे इस तरीके से आकार में काट कर रखा हुआ है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसका कलर जैम में बहुत अच्छा आता है। घी हमने देसी घी लिया है 2 चम्मच, कलौजी 1/4 चम्मच हमने लिया है, और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का मैंने लंबे आकार में इस तरीके से काट कर रखा हुआ है, 2 चम्मच व्हाइट विनेगर मैंने लिया है, नमक 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच मैंने नमक इसके अंदर डालने के लिए लिया हुआ है, 1/4 चम्मच काली मिर्च, ये दरदरी कुटी हुई है, 1/4 चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा, और ये हमारे पास चीनी है टमाटर का 1/3 भाग, 1/3 भाग हमें चीनी लेना है। तो सबसे पहले हम टमाटर को काट कर तैयार करेंगे, और इसे काटने के लिए इसके पीछे के साइड हम काट करके और निकाल देंगे, और इसके बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे। इसी तरीके से सारे टमाटर को हम काट करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमें टमाटर को काट करके रख लेना है। बहुत लोग क्या है, इसके बीच का जो बीज है इसे निकाल देते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाला है। इसका निकालना बहुत जरूरी नहीं है, इससे इसके साथ बहुत सारे पल्प भी निकल जाते हैं और ये खाने में खराब नहीं लगता है, टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो निकाल ले। मैंने टमाटर काट कर तैयार कर लिया है। अब हम गैस पर पैन रखेंगे या कढ़ाई, अब इसके अंदर घी डाल देंगे। घी को हम गर्म होने देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे कलौजी और इसे हल्का सा भून लेंगे, और गैस को हम धीमा रखेंगे। इसके अंदर अदरक के टुकड़ों को डालेंगे, कटे हुए लहसुन भी डाल देंगे, और इसे हल्का सा भूनेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे हम भून लेंगे, और इसके अंदर कटे हुए टमाटर को भी डाल देंगे। नमक डाल देंगे, 1 चम्मच नमक मैंने इसके अंदर डाला है। नमक डालना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इससे ये टेस्ट लाता है। इसके अंदर हम चीनी डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, इसे चीनी की चाशनी में ये अच्छी तरीके से पकेगा। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 मिनट तक गलने देंगे। 5 मिनट बाद हम टमाटर को चेक करेंगे। देखिए टमाटर हमारा अच्छी तरीके से पक रहा है और इसकी चाशनी भी अच्छी तरीके से निकल आई है। मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। टमाटर को भी मैंने अच्छी तरीके से धो करके और पोंछ करके रखा था, इससे ये ज्यादा दिन चल सके और खराब ना हो। इसके अंदर से इतना पानी निकला हुआ है, इसे में अच्छी तरीके से ये पक जाएगा, और इसकी चाशनी जब तक गाढ़ी नहीं हो जाती हमें इसे इसी तरीके से पकाना है। इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। ये दरदरी कुटी हुई काली मिर्च और जीरा पाउडर, इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे अच्छी तरीके से गाढ़ा होने तक पकाएंगे, और विनेगर को हम बाद में ही डालेंगे। चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाएगी और जैम बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हम सफेद सिरके को डालेंगे, इसे हम अभी पकने देंगे मीडियम आंच पर। इसे ढक भी सकते हैं और चाहे आप खोल कर भी इसे पका सकते हैं। अभी हम जैम को चेक करेंगे, और देखिए टोमेटो जैम हमारा अच्छी तरीके से पक रहा है और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मैंने इसे मीडियम आंच पर रखा हुआ है,
और इसके ऊपर हम ढक्कन नहीं लगाएंगे और इसी तरीके से हिलाते हुए इसे बीच में हम पकाते रहेंगे जब तक अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है। हमें इसी तरीके से मिलाते हुए इसे पकने देना है। देखिए हमारा जैम काफी ठीक हो चुका है और इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जैम को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसके अंदर विनेगर को हम डालेंगे। जैम हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब इसके अंदर हम सफेद सिरका डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सफेद सिरका डालने से जैम हमारा खराब नहीं होगा, आप इसे 6 महीने से साल भर तक आराम से रख सकते हैं। आप इसे कांच की बोतल में बंद करके रख दीजिए, फ्रिज में रख लीजिए और आराम से इसे 6 महीने से साल भर तक खा सकते हैं इसे। और इसके डालने से इसमें अच्छी सी खटास आ जाती है, जो खट्टा और मीठा इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, आप इसे रोटी पराठे या फिर ब्रेड के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। इसके ऊपर से गार्निश करेंगे सिनेमन पाउडर से, दालचीनी के पाउडर से, इससे इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हमारा टोमेटो जैम बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।